हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बंकर सिटी में। दोस्तों से पहले देखा होगा आपने एलजेब्रा का वॉल्यूम वन देख लिया होगा, और हम बात करते हैं वॉल्यूम टू। वॉल्यूम टू के साथ हम क्वेश्चन नंबर वन की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन वन में क्या कहा है। इसमें कहा गया है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर दिया हुआ है 5। हमें उसके बाद निकालना है इसका, जैसा कि मैंने बताया था इसका वर्ग करते हैं और माइनस दो करते हैं, कितना हो गया 25 में दो गया तो 23 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कहा गया है 2p² - 2p + 1 = 1.4 दे रखा है। तो p प्लस 1.p निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है भाई। तो करना क्या होगा दोस्तों, देखिए ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो गया p² - 2p + 1 = 8p। इसका करोगे पी हटाना, यहां से पी का बाहर लगाओ। अब पी हटाना क्या है, क्योंकि अवेलेबल फॉर्म लेके आने वाले पी प्लस 1.p लेके आना है ना। तो 1.p यहाँ पे आएगा, पी से पी कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट जाएगा। तो पी प्लस 1.p माइनस का 2 है, घट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना अंतर आएगा भाई, 10 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है, यदि n का मान दिया हुआ है, यानी x मान लीजिए, x दिया है तो 2 + √3 हमें अपॉन में देखो उसका निकालना है। उसका निकालने से पहले क्या होगा, 1/x को लेके आना है, मतलब इसका उल्टा लेके आना है। क्या होगा उसका उल्टा, रेसिप्रोकल 1/2 + √3। इससे पहले समझाता है, संख्या लिखो उसके रूट के अंदर, क्या उसके रूट के अंदर लिखो संख्या को, 4 हो गया। दोनों डिफरेंट कितना है, 4 और 3 में 1 का है, उतना ही यहाँ पे हो, जितना डिफरेंट दिया गया है उतने डिफरेंट यहाँ पे हो। इस संख्या के साइन चेंज कर देते हैं बस, तो संख्या आ गई, साइन चेंज कर दिया, माइनस के तो प्लस ही करो, प्लस किया तो माइनस ही करो। अब देखो क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने से पहले मेरे पास 1 + 1/x होना चाहिए। एक्स कितना दिया हुआ है, 2 + √3 प्लस 1/x कितना है, 2 - √3। इससे कट गया, कितना बचा, 4 बचेगा। अब तो x प्लस 1/x आ गया, आ गया ना बोला, क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या करोगे इसका स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए बताया था x² + 1/x² निकालना है। तो 4 का वर्ग करो, माइनस 2, 4 + 16 से 2 गया तो 14, यानी कि 14 बचेगा भाई आपका। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कहा है। ये कहा है 2x + 1/3x = 6 दिया हुआ है। तो क्या करना है, हमें 3 लेके आना है। देखो भाई, इससे 2 से या 3 कैसे होगा, पहली बात तो ये 2 हटना चाहिए, हट जाएगा फिर 2 का भाग लगाएंगे, तो मैं भाग लगा दो पहले इसमें, और 3 भी आना चाहिए, तो ये 3 भी तो है, 3 आना है। क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई, यानी 3/2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3/2 का मल्टीप्लाई। अब देखो इससे कट गया, कितना हो गया 3x प्लस इससे कट गया 1/2x बराबर इससे कट गया 3, 3 + 9 होता भाई। देखो 3x + 1/2x निकल के आ गया 9। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी। तो देख लीजिए आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते भाई आगे, 5 वाला। 5 दिया हुआ है, n = 3 + √2 दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है √ निकालना है इसका, उसका रूट माइनस 1/n का उसका रूट निकालना है। तो इसका रूट कैसे आएगा भाई, इसका ऐसे ही आएगा, दोनों तरफ उसका रूट लगा दो भाई। करते क्या है, इस संख्या के फैक्टर करते हैं जिनका HCF 1 हो। देखो 2 × 1 = 2 होता है, और 2 + 1 जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 3 दूसरी संख्या होती है। अब इस संख्या को लिखते थे स्क्वायर रूट के अंदर बस, √2 + √1 आ गया। क्या निकालना है, 1/n और निकालना है, इसका उल्टा क्या होगा,
रूट टू प्लस अंडर रूट एन, अभी मैंने बताया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन बताया था कि जितना डिफरेंट यहाँ पे है उतना यहाँ पे हो, कितना डिफरेंट है एक का, इस संख्या को माइनस में लिख देते हैं बस। अब भाई माइनस का दिया है, क्वेश्चन ये पूछा है एन कितना है, रूट टू प्लस रूट वन माइनस और ऊपर रूट टू कितना है, रूट टू प्लस रूट वन माइनस का रूट वन प्लस का, इस कट गया एक और एक दो निकल के आएगा भाई आंसर, कितना आएगा दो निकल के आएगा भाई, समझ में आ रहा है ना, तो देखिए भाई आगे समझ में आ रहा है तो फिर उसमें से देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो दिया हुआ है, अगर क्यूब निकालना है तो दोस्तों पता होगा क्यूब निकालने से पहले पहला फॉर्मूला होता है कि हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का पार्ट निकालना होता है। अब वन अपॉन एक्स कैसे आएगा, जब मैं यहाँ पे रखूंगा यहाँ पे रखा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी और यहाँ भी रखना पड़ेगा, इससे कर गया इससे कर गया कितना बचा एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया जीरो, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ये माइनस कर दिया है प्लस कर दिया है कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का थ्री हो गया। क्या करना है अब क्यूब निकालना है, वो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये वाला पार्ट, क्या करोगे मैंने बताया था सिंगल पावर से क्यूब निकालना हो इस संख्या को क्यूब करो और माइनस का इसका थ्री गुना इस संख्या डालो, माइनस 27 हो गया माइनस माइनस प्लस 9 हो गया यानी कि माइनस का 18 निकल के आया वही है। यदि वॉल्यूम बंद देखना पड़ेगा भाई, इससे पहले आपको वॉल्यूम बंद नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा भाई, सारा बेसिक होता है मैंने वॉल्यूम बंद में करा दिया है, और पहले आप उसे वॉल्यूम बंद को देखो उसके बाद वॉल्यूम तुमको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 दिया हुआ है, हमें क्यूब निकालना है भाई, क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे पहले हम कैल्सियम निकाल लो, ये कितना हो गया ए क्यूब प्लस सॉरी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वन मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी पूछा क्या हमें ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री क्या होता है ए प्लस बी, अगला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है ए बी माइनस का ए बी, इससे कट गया क्या बचा है जीरो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के जीरो, ऐसे ही चुटकी बजाओ उसे निकालो भाई आराम से। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं आठ का दिया हुआ है, आठ दिया हुआ है एक्स अपॉन ए माइनस का बराबर वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या निकालना है x माइनस वन अपॉन सॉरी x माइनस का उसके निकालना है, तो पहले क्या करोगे भाई तो सबसे पहले पढ़ना यही है x अपॉन a इसको तो ले आओ प्लस का हो गया वन अपॉन ए हो गया, इसके अंदर निकालो ए x हो गया x स्क्वायर प्लस a बराबर वन अपॉन ए हो गया, ठीक है भाई। अब पढ़ना क्या है देख लेते हैं एक बार क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब देखो ऐसे कट गया ये स्क्वायर हो गया ये आ गया और ये वन अपॉन ए हो गया, इससे ये कट गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर एक्स, अब करना क्या इसको तो ले जाओ तो ए बराबर एक्स माइनस का एक्स, देखो इसकी वैल्यू पूछी है क्या निकल के आएगी ए, इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया तीन चार पाँच छ सात आठ वाला एक क्वेश्चन रह गया, अभी नौ वाला क्वेश्चन एक दस वाला क्वेश्चन और रह गया कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर 21 दिया हुआ है, करना क्या है क्यूब निकालना है हमें इसका, एक्स और वाई क्यूब निकालना है भाई, करना क्या होगा क्यूब निकालने के लिए हमें पता है ऐसी संख्या रखे इसमें घटाने पर तो 4 आना चाहिए गुणा करने पर 21 सात ही कितना होता है भाई 21 और सात में से तीन गया तो 4 होता है, हो गया भाई वेरीफाई।
हो गया एस की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3। क्या पूछा है? क्यूब पूछा है, 7 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब कितना होता है? 43 फिर 27, 13 में 7 का 6 बचा, 3 में 2 गया तो 1, और ये 316 निकल के आएगा भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि मालूम पड़ेगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, जिससे कि मैं अगले वीडियो में अच्छी से अच्छी ट्रिक आपको बता सकूं। ठीक है भाई। भाई देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस ई बराबर 11 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो दोस्तों इस पहले क्वेश्चन में एक तो होता है फॉर्मूला, हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ट्रिकी तरीका है हमारे पास करेंगे क्या कि यहाँ पे हम ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 मान लें और चेक करो कोई वैल्यू मान लो, ऐसा नहीं 1 2 3 मानो, कोई वैल्यू मान लो जिससे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। जैसे मैंने माना एक वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, या 1 रखा या 2 रखा या 3 रखा, 3 2 5 और 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, मतलब यहाँ सही है। इस वैल्यू को जाकर के देखना है, 1 × 2 हो गया, 2 × 3 हो गया, 3 × 1 2 + 6 + 3 कितना हो गया, ये 11 हो रहा है, यानी दोनों समीकरण में ये संतुष्ट कर रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, मैं पूछा ए प्लस बी प्लस सी, पूछा है एक वैल्यू 1, 2 और 3 कितना हो गया 6, इसका आंसर निकल के आया भाई। ये पूछा गया ए प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ये नहीं है, यहाँ पे आपका ए इंटू बी इंटू सी होगा, यहाँ पे ए बी सी पूछेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या करना है, एबीसी पूछेगा, एबीसी पूछना है तो 1, 2 और 3 कितने कितना आएगा 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा 6 आएगा। तो दोस्तों ये जैसा पसंद आ रहा है तो लाइक करना और दोस्तों शेयर कर देना जिससे कि मैं अपने चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।